अलमेकम आज हम जो फंक्शन करने जा रहे हैं वो है काउंट का के वो काउंट करेगा कि हमारे कितने नोड मौजूद है लिंक लिस्ट में <coughs> तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब फंक्शन कॉल हुआ है तो सबसे पहले हमारा ये हुआ है कि जो स्टार्ट में एड्रेस नहीं बना हुआ वो किधर डाल दो वो टैंप में डाल दो हमारे पास एक पॉइंटर बना हुआ है टैंप नाम का हमने एक मेमरी में लोकेट करना है पॉइंटर जिसका नाम है टैंप तो यहाँ पर टैंप इसका नाम आ जाएगा और वो क्या कह रहा है फर्स्ट लाइन में कि स्टार्ट का जो एड्रेस है वो किधर डाल दो टैंप में तो स्टार्ट का जो एड्रेस है उसमें क्या है स्टार्ट में क्या जो स्टार्ट पॉइंट है उसमें क्या पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है कि वन हंड्रेड एड्रेस उसका पड़ा हुआ है तो वो किधर चला जाएगा वो टैंप में चला जाएगा तो टैंप में वन हंड्रेड चला गया ओके तो दूसरी लाइन में कहता है कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है इंट नल... डेटा टाइप है उसकी लाइक मेमोरी में एक इंट डेटा टाइप का पॉइंटर वो सॉरी इंटीजर बनेगा वेरिएबल बनेगा जिसकी डेटा टाइप क्या है इंट और उसका नाम क्या रखा है हमने काउंट जो क्या करेगा काउंट करेगा जितने भी नोड्स मौजूद हैं लिंक लिस्ट में सो so, तो उसमें सबसे पहले हमने निशलाइज़ क्या किया है कि काउंट जो है वो स्टार्टिंग में ज़ीरो है ठीक है अब सीआउट किया है कि ई नंबर हमने सॉरी ये ई नंबर नहीं है ये है यहाँ से आप मिस कर दें इसको इवन नहीं कहते इसको बोल देंगे नंबर ऑफ नोड यहाँ पर हमने मिसिंग कर दिए चलें ये आप खुद कर सकते हैं तो नीचे क्या हमने लिखा हुआ है वाई लूप वाई लूप लगा के क्या किया हुआ है टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल क्या टैंप नॉट इक्वल टू नल है कंडीशन ट्रू होगी को नल तो नहीं है ना टैंप टेम्प तो नॉट इक्वल टू यानी नहीं वन हंड्रेड नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू होगी तो क्या किया हमारे पास जो काउंट नहीं है उसको प्लस प्लस एक एड कर दिया प्लस उसमें तो जीरो प्लस वन कितने जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा वन तो हमारे अकाउंट में क्या चला जाएगा वन चला जाएगा ओके तो यहां पर क्या चला गया वन. तो यहाँ वन चला गया ठीक है तो फिर दोबारा उस लाइन में क्या कह रहा है इस लूप की बॉडी में कह रहा है टेम्प का जो नेक्स्ट है अब क्या हंड्रेड वन हंड्रेड का जो नेक्स्ट है टू हंड्रेड टू हंड्रेड जो है वो एड्रेस जो है वो टैम में डालो अभी टू हंड्रेड यहाँ पर टैम में चला जाएगा अभी तो आपको ईजी हो गया होगा ईजीली आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है क्योंकि जो इंसर्शन और डिलीशन होती है वहीं आपको बेसिक होता है वो आपको अगर समझ आ जा जाए जा एक कि पॉइंटर कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं हम यहाँ से एड्रेस किधर लेके जा रहे हैं तो ईजीली आपको ये ईजी समझ आ जाएगा सो so, फिर दोबारा हम लूप की कंडीशन पे आए लूप में क्या है कि टाइम इज नॉट इक्वल टू ना कंडीशन टू टाइम में तो टू हंड्रेड है कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या किया फिर अकाउंट को प्लस वन कर दिया अकाउंट में अभी क्या था वन वन के बाद अभी क्या हो जाएगा टू तो यहाँ पर काउंट में अब टू चला गया फिर दोबारा आया फिर दोबारा किया कि टाइम का जो नेक्स्ट है अभी टू हंड्रेड टू हंड्रेड का जो नेक्स्ट है वो क्या है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड जो है वो वाला नोट जो है वो थ्री वाला थ्री हंड्रेड का जो एड्रेस है ना वो टेप में डाल दो अब टेम में क्या चला जाएगा थ्री हंड्रेड वाला ये एड्रेस तो अभी फिर दोबारा हम गए लूप पे वाई लूप के जाके देखा कंडीशन थ्री इज नॉट इक्वल ना कंडीशन टू कंडीशन ट्रू, ट्रू होगी तो क्या हुआ क्योंकि काउंट प्लस प्लस कर दिया अभी काउंट में हम हमारे क्या सर टू टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री तो यहाँ पर आप काउंट में क्या चला जाएगा थ्री आ गया ठीक है अब दोबारा फिर लूप पे गए लूप पे जाके देखा के टेम नहीं नहीं सॉरी ये हम काउंट के बाद नीचे वाली लाइन पे इग्नोर कर दिया हमने ये वाली देखनी है अभी कह रहे हैं क्या कह रहा है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड का जो नेक्स्ट है, है? है वो क्या है वो है नल तो नल जो है वो जी टैंप में डाल दो अभी टैंप में क्या चला जाएगा ये कट के नल तो यहां पर आ गया अब नल बहुत ही अजीब तरीके से नल डाला हुआ है जी अच्छा ठीक है अब देखेंगे वाई उस पर लूप वाली पे कंडीशन पे ही देखा है कि टैम टैम में क्या है नल नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल होगी नल तो नल के बराबर है जी बिल्कुल कंडीशन फॉल होगी तो लूप के अंदर भी वाडी नहीं चलेगी तो सी आउट हो जाएगा टोटल नोट्स आर सी आउट हमारी स्क्रीन में क्या है टोटल नोट्स आर और हमारे पास काउंट में क्या बढ़ा हुआ है कितने वैल्यू है कौन सी वो है थ्री तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल नोड आर थ्री यानी हमारे पास अभी कितने नोड हैं वन टू थ्री वन लिंक सो क्या हुआ हमारे जो नोड है वो काउंट हो गए